सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ सरस्वती की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। आप लोग आगे 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 खूब आगे बढ़िए, अपने जीवन में अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो करके ना सिर्फ आप अपना नाम कीजिए, बल्कि आप अपने से जुड़े हर व्यक्ति, चाहे वो आपके घर के मेंबर्स हों, पेरेंट्स हों, आपके दोस्त मित्र हों, या आपके साथ काम करने वाले लोग हों, कुलीग्स हों, सभी को आप पर नाज हो। तो जिस तरीके से बसंत पंचमी का आज दिन है, और बसंत पंचमी के बारे में अगर मैं एक बात कहना चाहूँ, तो सभी ऋतुओं में सबसे बेहतरीन ऋतु बसंत को माना जाता है। बसंत का आगमन जब शुरू होता है तो मन के अंदर कुछ उल्लास, कुछ उम्मीदें, कुछ नयापन करने की जो है वो चेष्टा जागृत होती है, और ये नयापन जो है आपके मन को प्रफुल्लित करता है, मन को आपके जो है एक ऊर्जा देता है, और उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है आप अपने कार्यों को आरंभ करते हैं। तो माँ सरस्वती से वंदन, माँ सरस्वती को मेरा अभिनंदन। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को माँ सरस्वती उसी प्रकार से अपना आशीर्वाद दे जैसा वो ऋषि मुनियों को दिया करती थी, या जैसा वो पहले के जो अध्यापक थे, या आज भी जितने भी अध्यापक हैं, जो लोग भी ब्लेस्ड हैं उनसे, वो आपके आपके ऊपर भी उसी तरीके की ब्लेसिंग्स बनाए रखें। क्यों? क्योंकि अभी इस कक्षा में बैठे हुए हैं, इस कक्षा में बैठे हुए आप एक छात्र छात्रा के रूप में हैं, लेकिन जो एक पर्पस है, जो एक उद्देश्य है कि आप यहाँ पे क्यों हैं। अगर मैं यहाँ पे आपके होने की बात करूँ, तो आप यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि आपको एक शिक्षक बनना है, ठीक है? आप यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि आपको एक शिक्षक बनना है। ऑल्दो शिक्षक बनने के लिए भी आपको प्रयत्न करने होंगे, कुछ सीखना होगा, काफी कुछ प्रयास आपको अपनी तरफ से भी करना होगा, काफी कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन के थ्रू करना होगा, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर मैं बहुत सारी चीजों की बात करूं, तो वो सारी चीजें आपके व्यवहार में लानी होंगी, और व्यवहार में जो चीजें आ जाती हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपके पथ पे हमेशा अग्रसित करती रहती हैं। मैंने यहाँ पे एक शब्द प्रयोग में लिया, शिक्षक। आप लोग यहाँ पे शिक्षक बनने के लिए आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इतने सारे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं अलग अलग की काउंटिंग करूँ, तो यहाँ पे आने का जो मनोभाव है, अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग है, ठीक है? अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग क्यों है? कोई यहाँ पे आया है वो इसलिए आया है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, ठीक है? कोई यहाँ पे आया है वो ये सोच करके आया है कि जो आगे का एग्जाम है उस एग्जाम का टॉपर मैं ही बनूँ। कोई यहाँ पे आया है वो ये सोच करके आया है कि मैं किसी भी तरह से एक नौकरी जो है अपने हाथ में ले लूँ जिससे मेरी जीविका चलती रहे। मोर ओवर एक कॉन्सेप्ट और भी देखा गया है कि आप यहाँ पे इस एग्जाम की तैयारी के लिए, यानी कि रीट की प्रिपरेशन के लिए, इसलिए आप तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सरकारी नौकरी चाहिए। तो हम चाहे सबसे बेस्ट बनने की कोशिश करें, चाहे हम अपने एग्जाम में टॉपर या टॉप करने की कोशिश करें, एक रैंक लाने की कोशिश करें, हम नौकरी लेने की कोशिश करें, चाहे हम सरकारी नौकरी लेने की कोशिश करें, किसी भी चीज में, किसी भी पॉइंट पे, हम किसी भी पथ पर अपना रुख अगर हम करते हैं, तो करने से पहले हमारे पास एक ही चैलेंज आता है। वो चैलेंज क्या आता है? वो चैलेंज है हमारी प्रतिस्पर्धा, यानी कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन, एक दूसरे के साथ आपको कंपटीशन देना है, और वो कंपटीशन आपको इस लेवल पे देना है, आपके ही साथी हैं, आपके ही साथ रहने वाले लोग हैं, जो आपके साथ बैठ करके तैयारी कर रहे हैं,
आप उनके साथ बैठ करके तैयारी कर रहे हैं और एक ही सीट के लिए आप दोनों ही लड़ रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा ये है कि पढ़ाई आपको साथ में करनी है, तैयारी आपको साथ में करनी है, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर सीट के लिए एक साथ वहां पे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें कौन सबसे अच्छा होगा, कौन सबसे अच्छा होगा, ये डिफाइन की करना पहले बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप किसी लेवल पे, किसी पॉइंट पे, किसी एक तथ्य के ऊपर एक कीन नॉलेज, यानी कि नॉलेज को, अगर आप ज्ञान को जो आपने ग्रहण किया, अगर उसकी वास्तविकता में जाएं, उसको व्यवहार में लेकर के पढ़ें, कहने का मतलब ये है कि जो भी ज्ञान आपके पास है, जो भी अध्ययन आपने किया है, अगर वो अध्ययन हम केवल और केवल पढ़ने और समझने के माध्यम से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के हम उसमें अपने आप को फेल महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर वही ज्ञान, वही अध्ययन, अध्यापन, यदि हम उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, अर्थात उन चीजों को, उन तथ्यों को अगर हम अपने अंदर एक फिक्स जगह पे, एक फिक्स तरीके से, फोकस्ड वे में अगर हमारे पास रखते हैं, तो जब भी आवश्यकता होगी उस तथ्य की, हम बहुत इत्मीनान से उसको खोल करके वहां से अपने आवश्यकता अनुसार उस तथ्य को प्रयोग में ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि अध्ययन और अध्यापन में यदि आप ये मानते हैं कि केवल पढ़ना और रटना, इससे आप एक एग्जाम को पास कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने में, उस ज्ञान को अर्जित करने में, अर्जन के पश्चात यदि उनमें स्थायित्व नहीं आता है, यदि हम उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं, तो हमारे इस कॉम्पिटेटिव टर्म में या हमारे इस प्रतिस्पर्धा वाले युग में ये हमारे किसी काम का नहीं हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षक की, हमें बनना है शिक्षक। तो शिक्षक हम कैसे बनेंगे? शिक्षक हम तब बनेंगे जब हम हर एक लेवल पर अपने आप को जांचने की कोशिश करेंगे, अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे और दूसरों से अपने आप को हम बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं एक स्टेटमेंट लेके चलूं, शिक्षक के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक कथन है, बहुत ही प्यारा कथन है। शिक्षक एक साधारण व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इस कथन को जानते भी होंगे। उसकी गोद में प्रलय और निर्माण क्या होते हैं? पलते हैं। एक शिक्षक क्या होता है? साधारण व्यक्ति नहीं होता है। उसकी गोद में ये दो टर्म हैं, प्रलय और निर्माण क्या होते हैं? पलते हैं। किसका कथन है ये? चाणक्य का कथन है। अगर हम इतिहास में जाएं, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इतिहास की क्लास नहीं है, हम मनोविज्ञान की कक्षा में बैठे हुए हैं। चाणक्य भी एक बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में थे। अगर आप थोड़ा सा, बहुत इतिहास में विषय की बात नहीं करूंगी, लेकिन हम भारत देश में रहते हैं, भारतवासी हैं, तो आपको जो है अगर इतिहास में थोड़ा भी जाएं, और हम अगर बोलते हैं कि भारत में जो है सबको जोड़ने का काम किया, तो वहां पे नाम आता है मौर्य वंश से, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना शासनकाल प्रारंभ किया, क्या कोई समझ सकता था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इतना अच्छा शासक बनेगा? वो शासक बना। वो क्यों इतना अच्छा शासक बना? क्योंकि उसका पथ प्रदर्शन करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षक उनके पास था, जिसने हर एक लेवल पे, हर एक रूप में,
चंद्रगुप्त मौर्य का पथ प्रदर्शन किया। अब उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया था, एक राज्य में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से पहले की अगर मैं बात करूं, तो चाणक्य एक राज्य में गए, वहां के राजा ने उनको बहुत तिरस्कृत किया। तिरस्कृत करने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो लिखा था या बोला था, कहा था, इस कथन को कहा था कि तुम शिक्षक को क्या समझते हो? एक शिक्षक अगर चाहे तो आज के आज ही तुम्हारे राष्ट्र का निर्माता बन सकता है, और एक शिक्षक अगर चाहे तो आज के आज ही तुम्हारा राष्ट्र खत्म हो सकता है। तो वहीं से ये स्टेटमेंट आया कि हे मनुष्य, हे मानव, तू शिक्षक को बिल्कुल साधारण मत समझ। ये वो पर्सनालिटी है, ये वो व्यक्तित्व है जिसकी गोद में निर्माण भी खेलता है, पलता है, और प्रलय भी खेलता और पलता है। तो जब शिक्षक के लिए हम इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, वॉट एवर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जब हम इतना तगड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, और दे रहे हैं किसके लिए? शिक्षक के लिए, तो शिक्षक के पास इतनी अहम भूमिका, इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इतने अच्छे अच्छे वक्तव्य जो उनके लिए कहे गए हैं, इतने अच्छी सोच, इतना आदर भरा, भाव से भरा लोगों का सोच, जितनी भी चीजें हैं वो उन तथ्यों पे अपने आप को खरा उतारे। तो आप लोग जो शिक्षक बनने के लिए आए हैं, आप लोग भी उन्हीं तथ्यों पे खरा उतरने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के लिए तो मैं उल्टा ये कहूंगी कि आप लोग इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। बेटा, आप लोगों को जो है शिक्षक बनना है या शिक्षिका बनना है, टीचर जो बन रहे हैं आप एक स्कूल में जा रहे हैं जहाँ बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको ग्रूम करना होता है, जिनको आपको ग्रूम करना है, जिनको विकसित करना है, जिनको जिनके दिमाग में जो है शिक्षा क्या है ये डालना है, जिनके दिमाग में शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना है, जिनको खूब अच्छी तरीके से आपको पढ़ाना है। क्योंकि बाल्यकाल की अगर मैं बात करूँ, आगे चल के जब हम बाल विकास पढ़ेंगे, हम उनमें इन चीज़ों को पढ़ेंगे, 6-7 साल के बच्चों में जब हम ये चीज़ें डाल देते हैं कि ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये समाज मेरा, ये राष्ट्र मेरा, और आज अगर मैं बात करूं, शिक्षा की बात करूं, हम पहले अपने राष्ट्र की बात किया करते थे, लेकिन आज हम राष्ट्र की बातें भी कर रहे हैं और राष्ट्र के ऊपर हम वैश्वीकरण की भी बातें कर रहे हैं, यानी कि हम विश्व की बातें करते हैं, हम ग्लोबल अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। पहले हम बोलते थे हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में, आज हम केवल भारत में नहीं हैं, हम अपने आप को भारत के बाहर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जो है भारत के बाहर भी अपने आप को दिखा रहे हैं और दिखा करके अपना नाम कमा रहे हैं और भारत का मान बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाने में कहीं ना कहीं योगदान अगर देखा जाए, कुछ एक पॉइंट भी समझा जाए, तो शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए शिक्षकों को हम लोग क्या कहते हैं, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कैसी भी पढ़ाई पढ़ लीजिए, ज्ञान कैसे भी अर्जित कर लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर एक्सप्लेन करने की, अपने मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है, अगर आपको अपने छात्र छात्राओं की परेशानियों को सुनकर उनको उनका समाधान करने की क्षमता नहीं है, तो आप एक शिक्षक नहीं है। ठीक है, तो मोर ओवर अगर मैं बात करूं, आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी क्लास है, जो क्लास है, हम किस क्लास में बैठे हुए हैं, हम मनोविज्ञान की क्लास के लिए यहाँ पे बैठे हैं। मनोविज्ञान की बात थोड़ा सा हम करते हैं, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, पहली क्लास है तो बहुत ज्यादा आज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के हैवी हो जाएगा। वैसे भी सुबह से आप लोगों ने भूगोल, इंग्लिश, हिंदी, 3 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिया, तो अभी मनोविज्ञान हम लोग जस्ट एक इंट्रोडक्शन के रूप में लेंगे, बाकी रेगुलरली क्लास हमारी चलेगी। जैसे जैसे हमारे यूनिट्स या टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे,
हम अपने क्लासरूम, नियमित क्लासरूम या कक्षा प्रोग्राम के अंदर ही विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जो आपके इस कक्षा कार्यक्रम से निकल सकते हैं, अन्य प्रकार के प्रश्न जो पहले आ चुके हैं, आपके जितने भी एग्जाम्स में हैं, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें आ चुके हैं, तो हम उनको भी बारी बारी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मनोविज्ञान की बात मैं करती हूँ तो मनोविज्ञान है क्या, हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई। जब मनोविज्ञान की हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है किताबों में पहुंचते हैं, शताब्दियों में पहुंच जाते हैं कि 16वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, 400 ईसा पूर्व से जो है वो क्या बोलते, दार्शनिक थे, दार्शनिक जो है उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया, सोचना शुरू किया, अपने तर्क देने शुरू किए और तभी से जो है मनोविज्ञान को हम लोग समझने लगे। लेकिन अगर मनोविज्ञान की हम बात करें तो मनोविज्ञान जब से इंसान या जब से मनुष्य, मनुष्य के अंदर अगर मैं बात करूं, मनोविज्ञान में मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जब से भी संचेतना का विकास हुआ, कोई भी मनुष्य है उसके अंदर जब भी संचेतना का विकास हुआ, संचेतना के विकास से ही उसके अंदर आत्मीयता प्रारंभ हुई। ठीक है, जब वो संचेतन अवस्था में आया तो उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति आने लगी और जिस समय ये आत्मीयता आई, आत्मीयता के बाद क्या आया, आवश्यकताएं आई। ठीक है, जब आत्मीयता आई, जब सोचने समझने की शक्ति आई, जब सोचने समझने का एक निश्चित प्रतिरूप आया, जब सोचने समझने का निश्चित समय आया, उस समय पे जब जैसे 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 मनुष्य सोचने लगा, सोचने के बाद उसकी क्या हुई, आवश्यकताएं अवतरित हुई। जहां पे उसको लगा कि मेरी आवश्यकता ये है, मनुष्य ने क्या किया, अपने कुछ आविष्कारों को जन्म दिया। ठीक है, तो आवश्यकताओं के अनुरूप क्या हुए, आविष्कार होना प्रारंभ हो गया। और जैसे जैसे आविष्कार होने प्रारंभ हुए, पुराने जो आविष्कार हुए उनको दूसरे लोग फॉलो करना शुरू कर दिए और कुछ नए तथ्यों के ऊपर अगेन जैसे जैसे आवश्यकताएं होती गई, नए नए लोग उनके ऊपर अपना आविष्कार करना चालू कर दिए। अब आवश्यकता भी बनी, आविष्कार भी होते रहे, लेकिन मनः स्थिति जो मनुष्य का आत्मिक जो एक संबल है, आत्मिक भावनाएं हैं, वो कैसे उसने प्रदर्शित करना शुरू किया। ठीक है, हम इन सब, हमारा जो एक विषय है मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, हम ये पढ़ेंगे। इसमें हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली मनोविज्ञान क्या है। तो अगर मेरी बात करूं और अगर एक नॉर्मल व्यवहारिक रूप में हम लोग बात करने की कोशिश करें कि मनोविज्ञान कब से आरंभ हुआ, तो मनोविज्ञान तब से आरंभ हुआ जब से मनुष्य के अंदर संचेतना का विकास हुआ, यानी कि जब वो संचेतन अवस्था में आया तब से मनोविज्ञान हमारा क्या हुआ, आरंभ हुआ। अब मनोविज्ञान बेसिकली कहां से आया, ये शब्द कहां से आया, तो मैं बात करती हूं ये अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी, अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, क्या है, मनोविज्ञान। ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये अगेन दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना, कौन है ये दो प्रकार के शब्द, पहला है साइक, इसको कहीं कहीं पे हिंदी में अगर हम देखें तो इस तरीके से लिखा होता है, और दूसरा है
लोगस हिंदी की बात करें तो ऐसे लिखा होता है, ठीक है। अब ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है, ये दो शब्दों से मिलके बना साइक और लोगस। अब ये जो दो शब्द हैं ये दो शब्द कहाँ से लिए गए, ग्रीक, यूनानी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दो शब्द कहाँ से लिए गए या कहाँ से लेकर के बनाए गए, तो ग्रीक, यूनानी और लैटिन भाषा से, ठीक है। इन भाषाओं से जो है वो लिया गया था। यूनानी, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में अगर हम लोग जाएं, इतिहास अगर आप लोग थोड़ा भी जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, सभ्यताओं का जब विकास हुआ था तो यूनानी सभ्यता हमारी पहले आई थी, देन उसके बाद हमारी रोमन सभ्यता आई थी। तो यूनानी और ग्रीक ये दो शब्द अपने पास आए, तो इन शब्दों से मिल करके ये सभ्यताएं आई, सभ्यताओं से हमारी भाषाएं आई, और उन भाषाओं से ये दो शब्द हमारे आए, साइक और लोगस। अब साइक का जो इंग्लिश में अर्थ निकला उसको बोला गया सोल, ठीक है, सोल। और लोगस का जो इंग्लिश मीनिंग निकला निकला द स्टडीज ऑफ, ठीक है, द स्टडीज ऑफ। तो साइक का मतलब है सोल और लोगस का मतलब है द स्टडीज ऑफ। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, अगर मैं इन दोनों को मिलाने की कोशिश करूं और अगर मैं इसका हिंदी भी अर्थ लिखने की कोशिश करूं, तो सोल का मतलब होता है आत्मा, द स्टडीज का मतलब होता है अध्ययन, ये अध्ययन से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों का मतलब निकालने की कोशिश करूं कि साइक प्लस लोगस, साइक प्लस लोगस क्या होगा, दैट इज आत्मा का अध्ययन, ठीक है। क्या होगा ये, आत्मा का अध्ययन। बहुत सिंपल सा टर्म है, बहुत बेसिक सी चीज है, हर किताब में आपको मिलेगी। पढ़ाने वाले जो भी हैं प्रारंभ करते हैं तो आपको यहाँ से प्रारंभ करते हैं, और ये आप लोगों को याद नहीं होता है। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन जैसी कोई चीज नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी टर्म्स हैं ये बहुत ही इजी वे में आपको तैयार हो जाएगा। बेसिक सी चीज है, या आपको पता भी होनी चाहिए, मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना हुआ है। साइकोलॉजी यूनानी और लैटिन इन दो सभ्यताओं से निकले हुए भाषाओं का जो है वो दो शब्द जो है यहाँ पे मिलाया गया है। वो दो शब्द कौन से हैं, साइक और लोगस। साइक का मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा, लोगस का मतलब द स्टडीज ऑफ यानी कि अध्ययन। दोनों को मिला करके अगर हम साइकोलॉजी का हिंदी में अर्थ निकालने का प्रयास करें तो अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। उसको क्या कहते हैं हम, मनोविज्ञान। आत्मा का अध्ययन मतलब मनोविज्ञान। ये एक बेसिक मीनिंग है, ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है मनोविज्ञान का, कि मनोविज्ञान आखिर है क्या। इस मनोविज्ञान को आगे की कक्षा में कल हम और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, और जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, जिस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, हम इनके क्वेश्चंस को जो है इन्हीं में से निकाल करके करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाना चाहती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और ये क्लास के बाद आप लोग अपनी कॉपी में आराम से इसको भी बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। वन लाइनर जो लोग पॉइंट दर पॉइंट अपनी तैयारी करते हैं, सभी की तैयारी करने का अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग पैराग्राफ्स पढ़ करके उसमें से एक लाइन अपने काम की निकाल लेते हैं, कुछ लोग टॉपिक दर टॉपिक एक एक लाइन, वन लाइन जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको रटने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है आपका वन लाइनर प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। यही सेम क्लास का एक वीडियो जो जनरेट हो रहा है
वो मैं YouTube पे डालूंगी, तो YouTube पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले करके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कॉपी में आप लिखिए मनोविज्ञान के बारे में, लिखिए मनोविज्ञान हेडिंग डाल लीजिएगा, लिखिए मानव में संचेतना का विकास हुआ, मानव में जब से संचेतना का विकास हुआ, उसकी आत्मीयता उसी समय से आरंभ हो गई, परंतु जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, उसने उसने विभिन्न प्रकार के उसने विभिन्न प्रकार के आविष्कारों को करना आरंभ कर दिया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसलिए यदि हम मनोविज्ञान के इतिहास इसलिए यदि हम मनोविज्ञान के इतिहास को जानने तथा खोजने का प्रयास करें तो जानने तथा खोजने का प्रयास करें तो मनोविज्ञान का इतिहास मनोविज्ञान का इतिहास हमें कुछ शताब्दी पूर्व का ही मनोविज्ञान का इतिहास हमें कुछ शताब्दी पूर्व का ही प्राप्त होगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मनोविज्ञान के इतिहास के संदर्भ में मनोविज्ञान के इतिहास के संदर्भ में एक प्रसिद्ध जर्मन मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान के
इतिहास के संदर्भ में एक प्रसिद्ध जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंग हास, एक प्रसिद्ध जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंग हास का मानना था कि का मानना था कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन उसका इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन उसका इतिहास बहुत छोटा है। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है मनोविज्ञान की। एबिंग हास की तरफ से प्रश्न कई बार आते हैं, डेफिनेशंस जो है वो दी होती हैं, और आपके पास प्रश्न आएगा कि यह कथन किसका है, या यह मान्यता किसकी है, या किसने ये कहा था, या किसने इसको माना था, मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है। तो ऐसे करके आपके प्रश्न जो है कथनों से भी बनते हैं, और ऑप्शंस में आपके मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए होते हैं जिनको आपको अपने चयन में लेना होता है। तो कभी भी अगर ये प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा और इतिहास बहुत छोटा है, यह मान्यता किसकी है, तो वहां पे आपको एमिंग हास ही टिक करना है, उनको ही अपने आंसर्स के चयन में लेना है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मनोविज्ञान के अतीत की यदि बात की जाए, तो यह 400 ईसा पूर्व से जाना जाता है, 400 ईसा पूर्व से जाना जाता है, लेकिन यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो यह लगभग 16वीं शताब्दी से आरंभ हो गया। ठीक है, किसने जो है वो एबिंग हास ने क्या कहा कि अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा। क्यों लंबा और क्यों छोटा है? क्योंकि 400 ईसा पूर्व से जो है ये प्रारंभ हो चुका था, लेकिन अगर खोजने की कोशिश करें, हमारे पास तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ जो मौजूद है हमारे पास, अगर हम इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जाएं, तो खोजबीन के साथ हमारे पास ये क्या आया,
सोलहवीं शताब्दी में आया। ठीक है, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, दो लाइन और लिख लीजिए। मनोविज्ञान का इतिहास मनोविज्ञान का इतिहास जब से जाना जाता है, मनोविज्ञान का इतिहास जब से जाना जाता है या जब से आरंभ हुआ, मनोविज्ञान का इतिहास जब से जाना जाता है या जब से आरंभ हुआ, वह एक स्वतंत्र विषय के रूप में ना हो करके दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वतंत्र विषय के रूप में ना हो करके दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाने लगा। इसलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी हम इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान का स्वतंत्र अपना इतिहास प्रारंभ से रहा ही नहीं है। मनोविज्ञान सदैव जो है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जो है वो पहले जाना जाता था। तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में है, यानी कि उसको उत्पन्न करने का कार्यभार या किसके थ्रू या किसके जरिए वो हमारे पास आई, तो दर्शन शास्त्र के जरिए आई। इस वजह से उसके मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, उद्दीपन का कार्य किसने किया? दर्शन शास्त्र ने किया। इस वजह से दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मनोविज्ञान की जननी के रूप में किस विषय को जाना जाता है? तो किस विषय को जाना जाता है? दर्शन शास्त्र को। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कुछ बेसिक जो है वो टर्म्स हैं, कुछ बेसिक आपके सामने जो है ये सत्य मैंने आपके सामने रखा है, फैक्ट्स आपके सामने रखा है, जो आपको पता होना चाहिए अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं। ये आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग ये कह सकते हैं कि आपके टॉपिक्स में इतने डेप्थ में नहीं है, लेकिन ये आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन इन्हीं जगहों से बनते हैं। हम ये सोचते हैं कि सिलेबस के अंदर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, लेकिन जो सिलेबस का, अगर सिलेबस में बाल विकास लिखा हुआ है, तो बाल विकास में आपको एक एक तथ्य, जहां पे भी वो लिखा है उसके एक एक तथ्य पे जाकर के आपको पढ़ना है। अगर मनोविज्ञान लिखा हुआ है, आपका जो मेन जो आपका टॉपिक ही है, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ये जो टॉपिक ही है, इससे ही पता चलता है कि मनोविज्ञान आपको पढ़ना है। पढ़ना इसलिए है क्योंकि बच्चों की, छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्कूल के बच्चों की जो है आपको मनास्थिति को समझना है, खूब अच्छे से जो है उनके मनास्थिति को समझ करके उनको अध्यापन में जो है वो रुचि में ले आना है।
जब वो रुचि में हो जाए तो उनका विकास आपको ऐसे करना है कि वो हमारे भारत के विकास में अपने आप को भागीदार बना सके। एक शिक्षक का जो कार्य है वो कार्य आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, जिसके लिए आपको इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। विषय की जानकारी केवल पढ़ने के लिए, केवल आपको परीक्षा पास करने के लिए नहीं होना चाहिए, अपितु व्यवहारिक रूप में भी आपको इस विषय से अपना लगाव रखना चाहिए। अपने अपने जो शिक्षक, ऐसा नहीं है कि शिक्षक बनने के बाद आपका करियर खत्म हो जाता है, शिक्षक बनने के बाद भी आपका करियर होता है। उस करियर को आप आगे और आगे और आगे और आगे लेके जाते हैं, और वो और आगे कैसे लेके जाएंगे, जब आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे, जब उनको आप अच्छी तरीके से अपने ज्ञान को समझा पाएंगे, जब उनकी थोड़ा सुन पाएंगे, और कुछ नवीन तथ्यों के साथ जो उस समय का वातावरण होगा उस वातावरण को समाहित करते हुए जब आप उनको कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे, तब वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आज की क्लास मनोविज्ञान का पहले पहला जो है वो क्लास कैसा लगा आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगी, कॉपी में लिखना। कल की क्लास में आते ही अगर कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग आ रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही पूछ लिया था, तो ऑलमोस्ट सभी थोड़ा थोड़ा स्टडीज आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोगों को ये चीज पता है। यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई इशू है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिखना। जैसे भी होगा मैं इसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो अब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पे मैं पढ़ाने वाली हूँ, और मैं पढ़ाने वाली हूँ तो अब आप लोगों की वो सब शिकायतें नहीं होंगी कि टाइम से नहीं आ रहा है, देर हो रहा है, ये सब चीजें नहीं होंगी। आपका वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, क्वेश्चन आंसर्स आपके प्रॉपर चलते रहेंगे, क्योंकि मैं अब शिक्षण में आपके सामने इन्वॉल्व हो गई हूँ। तो आप ये जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो आप लोग पॉजिटिवली, आपने बहुत सारी चीजों को अपनाया है, आप इसको भी अपनाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को जितना हो सकता है, जितने भी स्टूडेंट्स आपके टच में हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, या सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, या फिर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के बाहर जो पीजीटी टीजीटी रीट टेट जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम की, जिसमें साइकोलॉजी उनका पार्ट आता हो, आप प्लीज उनके साथ ये शेयर कीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जो टीचिंग एग्जाम्स हैं, मैं उन सभी के लिए ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगी और ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगी। तो आप लोग खूब अच्छे से शेयर कीजिए, और हमेशा की तरह मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। बाय बाय।